गुरुग्राम में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। गुरुग्राम की बिलासपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 4:30 बजे फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की माने तो उन्हें शनिवार तड़के कंपनी में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गई। फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश जारी है। वहीं इस आग से जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिनमें आग की भयंकर लपटों को दूर से देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में आग की लपटें आसमान तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी थी उस वक्त कंपनी में 8 से 10 मजदूर ही मौजूद थे, जिन्हें समय रहते वहां से निकाल लिया गया था। फिलहाल किसी के अंदर फंसे होने की कोई सूचना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।